Sahibi Kosova'yı Berkan Çavuşarım da. Takvime şahidim da anım seni. Naray takvim. Ya Resulallah. Naray kavsiya. Ya Resulallah nasıl ki? İnşallah. Ağzı şahidim. Ve İslam'a sübeten on İslami ahkamatın bir amatın kızı iş. Yem sosyal medya sitramız için. Ya yem bakı için. Yedi ki esas kıram cizlerin çekimi çobanın kanını kalengi. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहु। जैसा कि आप जानते हैं कि सराय बाला एक तारीखी मकाम है, यहाँ गौसे पाक का मोए मुबारक जलवागर है। इस वजह से यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का अकीदत का मरकज़ है। हर एक सुन्नी सहीउल अकीदा इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसकी अकीदतें हैं। और यहाँ का जो इंतज़ामिया है दारे अवकाफ गौसे सराय बाला, वक्तन फवक्तन इन मजालिस का एहतमाम करते रहते हैं और मुख्तलिफ मौक़ों पर सीरत पाक या औलियाउल्लाह या शहदा या सहाबा या अहले बैत किराम की नस्बत से मजालिस करते रहते हैं, उनके पैगाम लोगों तक पहुँचाते हैं। दीन और दावत और तबलीग का काम होता है। इसी सिलसिले से आज सीरत नबी का कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हुआ है इदारे अवकाफ सराय बाला की तरफ से, और हमको भी मदऊ किया, तो इसलिए हम यहाँ पे के ताकि कुरान और सुन्नत की जो पैगाम है, जो तालीमात है, वो लोगों तक पहुँचाए और वो दीन के साथ जुड़े रहें। महरमुल हराम का महीना चल रहा है और आप लोग बखूबी वाकिफ़ है। अहले सुन्नत वल जमात हर वक्त इस चीज़ की कायल और आमिल रही कि हमारे लिए सहाबा की मोहब्बत बहुत ज़रूरी है और उससे बढ़कर के मोहब्बत अहले बैत रसूल से हैं, और उन्होंने जो कुर्बानियाँ दीन के लिए दी हैं, करबला का मैदान आज भी हमें ये चीज़ बता रहा है, पैगाम मिल रहा है कि दीन के लिए, इस्लाम के लिए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को तहफ़ करने के लिए अगर अपना खून का आखिरी कतरा भी देना पड़े रसूलल्लाह की इमामत के लिए और बातिल के ख़िलाफ़ जहाँ कहीं भी हो, अगर आपके माल औलाद सब कुछ कुर्बान करना पड़े, तो बातिल के हाथ में हाथ नहीं देना है, बातिल के साथ कोई समझौता नहीं करना है। बातिल अलग है, हक अलग है। वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, हज़रत इमाम हुसैन का यही पैगाम है कि हक़ को बातिल के साथ मत मिलाओ, अगर जिसके लिए कुछ भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हमारे लिए यही पैगाम है कि दीन और सुन्नियत और इस्लाम के लिए हर वक्त तन मन धन की कुर्बानी पेश करना चाहिए। एक मोमिन का अव्वलीन फरीज़ा।